So, good morning everyone, and today we will study about cell organelle. Okay, cell organelle padhenge hum. Okay, cell organelle. और कोई पार्टिसिपेंट है क्या? ठीक है, पार्टिसिपल एंटर्ड सेल ऑर्गेनेल. मैंने आपको पहले भी आइडिया दिया है कि जब हम लोग अपने शरीर की बात करते हैं, बॉडी की, उसमें हर एक ऑर्गन का पर्टिकुलर बात करते हैं कि उसका क्या फंक्शन है. वैसे ही यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, सेल का फंक्शन पढ़ेंगे. सेल का फंक्शन ओवरऑल नहीं पढ़कर हम लोग उसमें जो प्रेजेंट ऑर्गेनेल है, सेल ऑर्गेनेल, उसको पढ़ेंगे. ठीक. जैसे अगर आप ध्यान दें, प्लास्टिड सेल ऑर्गेनेल है जो प्रेजेंट होता है आपको सेल में. वो प्लास्टिक का क्या फंक्शन है? ओके, प्लास्टिक, मैं अनम्यूट कर रहा हूं, मैं जानना चाहूंगा कुछ बच्चों से. यस, कैन एनीवन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लास्टिक? ओके, ठीक, ध्यान दें. प्लास्टिक्स में भी तीन पार्ट होता है. ठीक है, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, और तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट. ठीक, ये प्लास्टिक में जिसमें मैंने पहले लिखा है क्लोरोप्लास्ट, ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में. फोटोसिंथेसिस, ठीक, क्योंकि आप जो क्लोरोफिल जानते हैं, पिगमेंट होता है क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर का होता है, वो क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके. ये क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट. इट मीन्स क्लोरोप्लास्ट ग्रीन इन कलर होता है. यानी जो आप पत्ते में ग्रीन या तने में जो ग्रीन कलर देखते हैं, वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिक. ओके, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिक, एंड इन दैट प्लास्टिक विच इंपार्टिंग द ग्रीन कलर, दैट इज क्लोरोप्लास्ट. ओके, क्लोरोप्लास्ट,
क्लोरोफिल तो जानते होंगे आप लोग, क्लोरोफिल, तो वो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, और जो फंक्शन क्लोरोफिल का है वही फंक्शन किसका होगा, क्लोरोप्लास्ट। ओके, नाउ अदर देन ग्रीन कलर, वट एवर कलर यू आर फाउंड इन फ्लावर्स, ओके, दीज आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट अदर देन ग्रीन, एंड ल्यूकोप्लास्ट इज कलरलेस, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, यह स्टार्च और प्रोटीन को स्टोर करता है। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि चूंकि प्लास्टिक में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और यह क्लोरोफिल इसी में है, और ये हम जानते हैं कि यह फोटोसिंथेसिस में मदद देता है, और हमें यह भी पता है कि विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, इसीलिए इसको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, है ना बच्चे? हाँ, ऑटोट्रॉप। तो आपको मालूम है इसका एक और नाम है प्लास्टिक का, जैसे याद होगा मैंने न्यूक्लियस के लिए बोला था कि एनर्जी करेंसी, उसी तरह से प्लास्टिक का कुछ नाम दिया गया। अरे वेरी गुड, किचन ऑफ द सेल, वेरी गुड, बुक में लिखा हुआ है क्या? शायद नहीं लिखा हुआ है ना, किचन ऑफ द सेल। ओके ना, ओ ठीक, तो याद रखिएगा किचन ऑफ द सेल कहलाता है, क्योंकि जैसे हम लोग के घर में किचन में खाना पकता है, वैसे ही प्लास्टिक में पौधे का खाना बनता है। ओके नाउ नेक्स्ट ऑर्गेनिक क्या दिया हुआ है प्लास्टिक के बाद? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके, सेल को ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। आप जब नाइन्थ में आइएगा तो जानिएगा कि इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया रॉड शेप का होता है और ये डबल वॉल्ड होता है। ठीक है, डबल वॉल्ड होता है, डबल वॉल्ड मीन्स एक आउटर और एक इनर वॉल। जिसका इनर वॉल होता है उसमें फिंगर फोल्ड लाइक एलिवेशन रहता है अंदर वाला में। बात समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं? जैसे आप तरबूज खरीदते हैं, तरबूज, तो उसमें एक आउटर पार्ट होता है जो डार्क ग्रीन होता है और एक इनर वॉल होता है, और उसके बाद रेड कलर का जिसको हम लोग खाते हैं। वैसा ही मैं बता रहा हूं, ये तरबूज ऐसा ही है, लेकिन तरबूज में इनर वॉल भी क्या होता है, रेगुलर रहता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसी बात नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर वाले वॉल में सिंगल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टेल, क्रिस्टेल, और इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है तो बता सकता है उसको क्या कहते हैं? ना
मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली में सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक। और नेक्स्ट क्या है देखो, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाद क्या है देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सुनिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है कि जैसे आप अपने घर का रूम का बनावट देखिए तो उसमें पाइएगा क्या कि पिलर, पिलर पिलर समझते हो, सब लोग पिलर समझते हो, बहुत लोग नहीं समझता होगा। कोई रूम जो बना होता है तो आप देखिएगा, जैसे अपार्टमेंट, अपार्टमेंट को देखना तो उसमें देखना पहले पिलर ही बना रहता है और उसके बाद उसमें ईंट को जोड़ता है, ठीक है। हाँ, तो अगर वो पिलर नहीं रहे तो क्या होगा, छत और जमीन ये दोनों में सेपरेशन रहेगा ही, है ना। यानी एक तरह से हम कहें तो पिलर जो है वो स्ट्रक्चर में हेल्प दे रहा है, रूम का जो स्ट्रक्चर है उसमें वो हेल्प दे रहा है। क्या हेल्प दे रहा है, इस फ्लोर और रूफ को डिटैच किए हुए, है ना। अगर वो पिलर नहीं रहेगा तो फ्लोर क्या होगा, नहीं ऊपर खड़ा रहेगा फ्लोर, नहीं रूफ, रूफ ऊपर नहीं रहेगा, रूफ नीचे आ जाएगा। सेम, हाँ सेम वही बात यहां भी है, सेम वही बात यहां भी है कि ये जो हम सेल बनाए थे कल, एक बार जरा रिकैप भी कर लेते हैं। इस आउटर सेल को क्या बोले थे, सेल मेम्ब्रेन, है ना, ओके। और इसको क्या बोले थे, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और याद होगा कि प्लांट में बोला गया था कि सेल मेम्ब्रेन के आगे भी एक लेयर होता है, सेल वॉल, वेरी गुड, सेल वॉल, जो कि प्लांट को प्रोटेक्ट करता है बाहर का जितना भी वेरिएशन है क्लाइमेटिक या एटमॉस्फेरिक, उन सब से ये सेल वॉल प्रोटेक्ट करता है, सेल के इनर स्ट्रक्चर। फिर याद होगा कि मैंने एक टर्म दिया था प्रोटोप्लाज्म, याद है प्रोटोप्लाज्म, किसको बोले थे प्रोटोप्लाज्म बताइए जरा, हाँ प्रोटोप्लाज्म मैंने बोला था कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर जो पार्ट है दैट इज प्रोटोप्लाज्म, ओके, जिसमें डिफ्रेंशिएट कह किए थे कि ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच जो फ्लूइड पाया जाता है इसको हम लोग क्या नाम दिए थे, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक। हाँ, और
न्यूक्लियस में जो फ्लूइड पाया गया था उसको क्या नाम दिए थे? ये तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये हुआ, अंदर में जो फ्लूइड है उसको बोले थे न्यूक्लियोप्लास्ट। एक बार हम जानबूझकर रिकैप कर दे रहे हैं, ठीक, न्यूक्लियोप्लास्ट। और बोलो तो न्यूक्लियोप्लास्ट में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, उसको क्या बोले थे? क्रोमेटिन। वेरी गुड, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन नेटवर्क। और यह भी बताया गया था कि जब सेल डिवीजन होता है तो ये क्रोमेटिन नेटवर्क गेट शॉर्टेंड, है ना, छोटा होने लगता है और थिक होने लगता है, जिसको मैंने ना मैंने क्या बुक में बताया गया, क्रोमोजोम्स। ठीक, और मैंने लगे हाथ आपको यह भी बताया था कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्रोमोजोम्स की संख्या डिफरेंट होती है। जैसे हम लोग में 46 क्रोमोजोम्स, जिसको कि हम लोग कहते हैं 23 पेयर। पेयर मीन्स हो गया डबल। 23 पेयर इसलिए बोला जाता है कि जितने भी क्रोमोजोम्स हैं वो समझिए कि जो भी जीव है, जैसे मान लिया हम लोग इंसान हैं, ठीक है, तो हमारे में जितना भी कैरेक्टर्स है वो ड्यू टू क्रोमोजोम्स। जैसे शायद आप एक जानते होंगे सेक्स क्रोमोजोम, सुने होंगे सेक्स क्रोमोजोम। ये 23rd पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोजोम होता है, शायद आपको मालूम होगा, ये मालूम है? नहीं मालूम? ओ ओ, ठीक है, तो छोड़ो, बस ये जानो कि मैंने ये बताया कि हम लोग में जितने कैरेक्टर्स हैं, जैसे मेरी आवाज है, मेरे आंख का जो बनावट है, मेरे बाल का जो स्ट्रक्चर है, वो सारा कुछ डिपेंड कर रहा होगा किस पे? उस व्यक्ति के क्रोमोजोम्स पे, ठीक है, जिसमें हम लोग उतना तो नहीं जानकारी रखते हैं। 10th तक आपको सिर्फ 23rd क्रोमोजोम्स के बारे में बताया जाता है कि जो सेक्स भी कारण होता है, कोई मेल है कोई फीमेल है, उसके पीछे भी कारण होता है क्रोमोजोम्स, ठीक है। जैसे हाँ, हाँ, XY होता है तो मेल, है ना, और XY होता है, XX होता है तो फीमेल होता है, ठीक। इसी में जब फ्यूज करेगा, मान लिया ये Y है और ये X होगा, तो जो नया सेल डेवलप होगा वो मेल होगा। तो अभी रहने दो, ये अभी टॉपिक उतना नहीं है, बस मैंने क्रोमोजोम को थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के लिए बात बोला, ओके। तो यहां पर मेन हम इस सारे चीज को रिव्यू इसलिए दिए क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए
हेलो। हाँ, नेट प्रॉब्लम। ओके, अभी तो स्पीड ठीक रहता है लेकिन कैसे कट जाता है पता नहीं। तो ये जो तमाम सेल ऑर्गेनेल जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसमें प्लास्टिक मैंने बोला, ओ ओके ओके, देखो आप अनम्यूट थे तब ना मुझे फायदा हुआ कि मुझे पता चला मैं म्यूट हूं। अगर आप म्यूटेड रहते तो हो सकता था थोड़ी देर तक। तो ऐसे केस में हैंड रेज कर दीजिएगा, ठीक ना। हाँ ओके। तो ये जो सेल ऑर्गेनेल जो मैं बता रहा था आपको, वो किसका पार्ट है? इसका, ये साइटोप्लाज्म में वो सब रहते हैं, जैसे प्लास्टिड हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसमें रहेगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है, ठीक है। उसी में एक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है बच्चे, कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक वो एक्सटेंडेड रहता है, ठीक है। इससे क्या फायदा हुआ कि सेल के स्ट्रक्चर में ये मदद कर रहा है, कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मदद दे रहा है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन डिटैच रहे। ओके ओके बच्चे, उसी में आप देखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो पार्ट है। एक आप उसमें देखें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि किसी किसी में हम लोग देखते हैं कि उसमें दानेदार ऐसा स्ट्रक्चर कुछ पाया जा रहा है, ठीक, दानेदार ऐसा, ग्रैनुलर लिखा हुआ है बुक में, पढ़िए, ग्रैनुलर लाइक स्ट्रक्चर और फॉर्म। वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट में देखिए लिखा हुआ है RER, लिखा हुआ है ना RER, रफ एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, और एक होता है जिसमें कि कोई तरह का ग्रैनुलर स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, वैसे को हम लोग कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, क्लियर है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक, ओके, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? टू टाइप्स, यस यस यस। अब सुनिए आगे, अब सुनिए आगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस कारण से बोले थे, कि यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ग्रैनुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है तो रफ कहलाता है। और अब आप जाने कि वो जो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको राइबोजोम्स कहते हैं,
क्या कहते हैं? राइबोसोम। ठीक है, तो ये मेन मेन चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक हो गया आपका प्लास्टिड्स, हो गया प्लास्टिड हुआ, जिसमें कि मैंने बताया आपको कि वो किचन ऑफ द सेल है, यानी भोजन वहीं बनता है ना। और उसमें भी मैंने बोला कि ये प्लांट सेल, ये भी आपको ध्यान देना है, कौन सा प्लांट सेल में पाया जाता है, कौन एनिमल सेल में पाया जाता है, कौन सा दोनों में पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट सेल एनिमल सेल। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस। जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए कि ये प्लांट को प्रेजेंट होता है ना। और सीधी सी बात है कि मैंने जब आपको बताया कि प्लास्टिक के भी तीन पार्ट होते हैं, वो है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, है ना। तो क्रोमोप्लास्ट क्या बोला था मैंने, नहीं पहले क्लोरोप्लास्ट, हाँ द कलर, द ग्रीन कलर इंपार्टेड टू द प्लांट, हाँ ग्रीन कलर जो इंपार्ट हुआ दिया गया प्लांट को, वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में भी क्या पाया जाता है पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल। और वही क्लोरोफिल ग्रीन इन कलर होता है और वो सनलाइट को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस में मदद देता है। और ल्यूकोप्लास्ट के लिए मैंने क्या बोला था, कलरलेस होता है, हाँ ये स्टार्च प्रोटीन को स्टोर करता है। ठीक है, हाँ सिंथेसाइज भी कर सकते हैं सर। और दूसरा, और क्या बोला था तीसरा मैंने, एक हुआ क्लोरोप्लास्ट, एक हुआ था ल्यूकोप्लास्ट, आई एक है क्रोमोप्लास्ट, अदर देन ग्रीन कलर, अदर देन ग्रीन कलर, है ना, ये चीज। और तब मैं आया माइटोकॉन्ड्रिया, मेन यही सब पढ़ना है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए मैंने क्या बोला कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है ना, ये प्रोवाइड एनर्जी, गुड। और याद होगा एक दिन एटीपी और एडीपी की चर्चा हुई थी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, याद है ना, उन सब में ये मदद देता है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अच्छा पिछले दो दिन से मैंने असाइनमेंट नहीं दिया आप लोगों को, है ना, और नोट्स भी मैंने नहीं दिया है, तो क्या आप लोग इसको मिस किए कि मैंने नोट्स नहीं दिया, असाइनमेंट नहीं दिया? ओ जरूरत जरूरत लगा इसका, ओ क्योंकि मैंने जो आपको बोला था कि पांच चीज मैं भेजूंगा एक दिन में, वो पांच से लगभग हो गया एक, है ना। मैंने बोला था कि पहले भेजूंगा स्क्रीनशॉट ऑफ क्लास जो क्रिएट किया वो भेजूंगा, दूसरा भेजूंगा वीडियो, तीसरा भेजूंगा अटेंडेंस, चौथा भेजूंगा क्या बोला था नोट्स, और पांचवा बोला था मुझे लगता है ऐसा कि ये सिलेबस का लास्ट होना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बाकी सेक्शंस में तुम्हें मालूम है क्या यशवी कितना चैप्टर आएगा मालूम है।